बांग्लादेश दौरे पर भारतीय टीम ने वनडे सीरीज पहले ही गंवा दी है। साथ ही कप्तान रोहित शर्मा दूसरे वनडे मैच में अंगूठे पर चोट लगवा कर तीसरे मैच से बाहर हो चुके हैं। अब रोहित शर्मा के टेस्ट सीरीज से भी बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल रोहित मुंबई लौटने की तैयारी में है। रोहित शर्मा की जगह पर टेस्ट सीरीज में अभिमन्यु ईश्वरन को मौका मिल सकता है। 27 साल के अभिमन्यु ईश्वरन इस वक्त बांग्लादेश दौरे पर ही है और भारतीय ए टीम की कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने लगातार टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि अभिमन्यु को ही रोहित की जगह पर टेस्ट सीरीज में रिप्लेस किया जा सकता है। ऐसे में फैंस अब ये जानने के लिए बेताब है कि आखिर ये अभिमन्यु कौन है जो रोहित शर्मा को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ बता दें कि अभिमन्यु ईश्वरन को अब तक टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल मैच खेलने यानी डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है। अभिमन्यु को पिछले साल हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्टैंड बाई में रखा गया था। भारतीय टीम ने जब 2011 में अपना दूसरा वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीता था तब अभिमन्यु महज 15 साल के थे। अभिमन्यु के पिता ने कई साल पहले पुरुकुल गाँव में अभिमन्यु क्रिकेट अकेडमी की स्थापना की थी। इस अकेडमी में अभिमन्यु ने क्रिकेट सीखा है। इसके बाद वो दिल्ली आए और फिर यहाँ से बंगाल का रुख किया। वह बंगाल टीम की कमान भी संभाल चुके हैं। अभिमन्यु ईश्वरन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 77 मैच खेले हैं जिसमें 44.41 की औसत से 5,419 रन बनाए हैं। स्क्रैनी ने लिस्ट ए कैटेगरी में 78 मैच खेले हैं जिसमें 46.24 की औसत से 3,376 रन बनाए हैं। अभिमन्यु ने T20 में भी हाथ आजमाया है। उन्होंने कुल 27 T20 मैच खेले हैं जिसमें 728 रन बनाए हैं। अभिमन्यु इस समय बांग्लादेश दौरे पर ही इंडिया ए के लिए सीरीज खेल रहे हैं। उन्होंने पहले ही मैच में 141 रन की पारी खेली थी। इसके बाद दूसरे मैच में अभिमन्यु ने 157 रन जड़ दिए। साथ ही दौरे पर जाने से ठीक पहले उन्होंने बंगाल के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में 122 रन की पारी खेली थी। यानी अभिमन्यु अब तक लगातार 3 मैचों में शतक लगा चुके हैं।